यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक। मैं आपका दोस्त सुशील नाडकर स्वागत करता हूँ आपका और एक नए वीडियो में। अपने पीछे जो गाड़ी खड़ी है ना वो है ग्रैंड आइटेनियोस। तो आज वो गाड़ी का हम ऑफ रोड टेस्ट करने वाले। अभी आप देख रहे होंगे ये जो मेरे पीछे है वो पक्की सड़क है और जो पॉइंट से मैं खड़ा हूँ वहाँ से मेरे फार्म हाउस तक जाने के लिए पूरी तरह से कच्ची सड़क है। तो सोचा कि इस बहाने में आपके लिए एक ऑफ रोड टेस्ट लाऊं। तो लगभग 500 मीटर का कच्चा रास्ता है, उसके ऊपर हम ग्रैंड आइटेनियोस का टेस्ट करने वाले हैं। देखते हैं ऑफ रोड के ऊपर ये कैसे चलती है, इसके सस्पेंशन कैसे हैं और ये पिकअप के लिए भी कैसी है। इफ़ यू आर न्यू टू दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपका प्यार बनाए रखिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ न्यूली अपलोडेड वीडियो। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज के वीडियो। जी हाँ साहब, तो मैं चला रहा हूँ 1.0 लीटर कप्पा इंजन। ये पेट्रोल पे प्रोड्यूस करता है लगभग 82 bhp ऑफ पावर एंड 114 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। पावर की बात की जाए तो ये गाड़ी के लिए ये पावर बहुत ही बढ़िया है। आपको पावर में कुछ कमी महसूस नहीं होगी। अभी मैंने ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ उसमें भी आपको पता चलेगा कि ये गाड़ी पावर कैसी है। अभी हम सस्पेंशन की बात करते हैं। अगर हम सस्पेंशन की बात की जाए तो फ्रंट में हमें मिलते हैं मैकपर्सन स्ट्रट सस्पेंशन और रियर में हमें मिलते हैं टॉर्जन बीम के सस्पेंशन। तो सस्पेंशन थोड़ा स्टीप साइड पे है क्योंकि इंडियन रोड्स के हिसाब से उन्होंने ऐसा सस्पेंशन बनाया है, तो ये अच्छा है। अभी आप देख रहे हो कि कितने गड्ढे हैं मेरे फार्म हाउस तक जाने के लिए। इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm और उस हिसाब से भी लगभग गाड़ी अच्छे से चलती है गड्ढों के ऊपर और आपको इतने गड्ढे महसूस नहीं होते। ठीक है, इतना अच्छा सा सस्पेंशन सेटअप किया गया है। ओके, और जो पावर है पावर बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इनफ है। मुझे तो पर्सनल लगता है इनफ है। इससे पहले मैं स्कोडा ऑक्टेविया चलाता था और वो इंजन के हिसाब से वो गाड़ी बाप थी। अभी ये इंजन के हिसाब से इसका पावर उन्होंने परफेक्ट दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सस्पेंशन सेटअप बहुत ही बढ़िया है, बहुत बेस्ट किया है उन्होंने। हैंडलिंग की बात की जाए तो ऑफ रोडिंग करने के लिए भी मज़ा आ रहा है गाइस। आपने देखा कि कितनी अच्छी से गाड़ी हमारी गड्ढों में से जा रही है, कुछ ऐसा इशू नहीं आ रहा। ओके, सो अगर आप ऑफ रोडिंग करते हो तो उसमें भी आपको मज़ा आने वाला है। कंपनी ने अच्छा से सोचा है, मुझे तो पर्सनली मैं सेटिस्फाइड हूँ। लगभग मैं महीने में एक या दो बार गांव आता हूँ और ये रास्ते के ऊपर चलता हूँ। अभी तक कभी भी हमारी गाड़ी सो बॉडी को कभी भी कहाँ भी लगी नहीं है, तो ये बहुत बढ़िया अच्छी बात है। टायर की बात की जाए तो 165/70 R14 के टायर्स हमें मिलते हैं और वो टायर्स इनफ है। लंबाई चौड़ाई अच्छी है और ये गाड़ी के लिए उन्होंने परफेक्ट बनाई। हाँ, अगर आपको और कंफर्ट चाहिए तो आप मिशलिन के टायर्स ले सकते हो। वो गाड़ी देख सकते हो आप कितना डुल रही है, कोई पावर लैग नहीं गाइस, कोई पावर लैग नहीं। अब तक तो मैंने आपको दिखाया कि कच्चे सड़क के ऊपर हमारी गाड़ी कैसे चलती है। अब हम थोड़ा और इसका टेस्ट करने वाले। अब हम ये थोड़ा हिल है ना, छोटा हिल एक क्लाइंब करने वाले, देखते हैं कि ग्रैंड आइटेनियोस इजीली वो छोटा हिल क्लाइंब करती है या नहीं।
आपको भी पता चलेगा कि हमारी गाड़ी कितनी कैपेबल है। की आज आपने ऑफ रोड टेस्ट की, मुझे ऐसा लगता है कि ये गाड़ी इंडियन रास्तों के हिसाब से बनाई है, तो उस हिसाब से ऑफ रोडिंग करने के लिए भी ये गाड़ी अच्छी है। पर्सनली मुझे अच्छी लगती है गाड़ी, आपको कैसी लगी? अगर आपने भी ऑफ रोड किया है ये गाड़ी के साथ तो आपका रिस्पॉन्स, आपका फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये ऑफ रोडिंग टेस्ट मैंने इसलिए की क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ग्रैंड एटेड न्योस लेना रहता है, उन लोगों को चाहिए ग्रैंड एटेड न्योस। लेकिन आपने ड्राइव रिव्यू देखा होगा, देन वॉक अराउंड रिव्यू देखा होगा, लेकिन ऑफ रोडिंग रिव्यू आपने नहीं देखा होगा। ये भी एक यूजफुल वीडियो है, यूजफुल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, आपको भी पता चले कि ग्रैंड एटेड न्योस कैपेबल है क्या ऑफ रोडिंग के लिए, और उसका ग्राउंड क्लियरेंस कैसा है, बॉडी नीचे लगती तो नहीं है ना, ये सब कुछ आपको पता चला। तो बेस्ट ऑन दिस इन्फॉर्मेशन आप ग्रैंड एटेड न्योस सिलेक्ट कर सकते हो आपके लिए, और अगर आप इंथुजियास्टिक ड्राइवर हो तो आप इसमें मज़ा भी ले सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो गाइज लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। आपका प्यार हमेशा बनाए रखिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।